अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज सर नसीम ज़ुल्फ़िकार और आज मैं सेकंड ईयर इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है 2024 प्रैक्टिकल सेंटर, ये मैं यहाँ पर जो है उसको इसके करेक्ट एमसीक्यूज और ग्रामर पोर्शन वगैरह इसमें मैं सॉल्व करूँगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर लें अपने सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स केमिस्ट्री और इंग्लिश के मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो उसमें सारे लाइन से जो है वो लेक्चर्स आने आ रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यूज होते हैं जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन ए में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है सॉलिटरी रीपर इज अ शॉर्ट डैश एलिजी लिरिकल बैलेट ड्रामेटिक पोएम सोनेट। तो सॉलिटरी रीपर एक जो है वो लिरिकल बैलेट है, क्योंकि उसको लिया भी गया है जो है वो लिरिकल बैलेट से, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक जो है वो एक बुक है। तो ये एक लिरिकल बैलेट है। सेकंड, इफ ह्यूमन लाइफ इज टू बी टॉलरेबल इट कैन नॉट बी होली डैश। तो ये रिफ्लेक्शन से एमसीक्यूज आया है कि अगर ह्यूमन लाइफ को टॉलरेबल बनाना है तो उसको होली मशीनाइज नहीं किया जा सकता, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मशीनाइज्ड। नेक्स्ट है द डे द डैम ब्रोक इज अ बायोग्राफिकल एसे फ्रॉम थर्बर। तो जेम्स थर्बर ने इसको लिखा, बी ऑप्शन। फोर्थ, एट द टाइम ऑफ फ्रीडम द नंबर ऑफ मुस्लिम्स लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड, तो लाइक 100 मिलियन मुस्लिम्स जो है रहते थे, 100 मिलियन। फिफ्थ है जैक बार्थविक इज द प्ले इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स ऑफर्ड जॉन समडैश। तो उसने उसको जैक बार्थविक ने सिल्वर बॉक्स जो प्ले है जॉन गॉल्सवर्थी का, तो उसने जोन्स को क्या ऑफर किया था, तो उसने उसको विस्की ऑफर की थी, बी ऑप्शन। सिक्स है आइंस्टाइन रिगार्डेड क्लास डिफरेंसेस एज कॉन्ट्रेरी टू जस्टिस। ये दी वर्ल्ड एज ए सीट से लिया गया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सेवंथ है अकॉर्डिंग टू मिलर जेनरोसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ये है द डिवोटेड फ्रेंड्स एमसीक्यूज आया है बाय ऑस्कर वाइल्ड। एट्थ है द वर्ड पार्ट इन द सेवन एजेस ऑफ मैन मीन्स डैश। तो पार्ट जो है वो लियोपार्ड से निकला है, ये विलियम शेक्सपियर की जो पोम है उसमें ये वर्ड था। टेंथ है थॉमस कैंपियन रोड द पोम, उन्होंने लिखा द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। एमसीक्यूज 10 है द सीक्रेट ऑफ इसराइलिट चर्च स्ट्रेंथ ले इन हिज डैश। सैमसन अगेंस्टिस से लिया गया, तो सैमसन की जो सारी ताकत थी वो उसके बालों में थी, तो हियर। 11th अकॉर्डिंग टू द पोप द एक्सटिंक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज सिमिलर टू द ब्रस्टिंग ऑफ बबल, लाइंस फ्रॉम एन एसे ऑन मैन बाय अलेक्जेंडर पोप से ये पोम है। 12th है व्हेन मिसेस ओकेंटा वाज यंग हिज हर हेयर वाज डैश, तो हर हेयर वाज बनाना ब्लोंड, बाद में उन्होंने जो है वो माउस ब्राउन कर लिया था उसे। 13th है नो नाइटिंगेल डिड एवर शॉन्ट, द लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोम द सॉलिटरी रीपर। 14th है इन हिज पोम शैली गिव्स एग्जाम्पल ऑफ वायलेट्स रोजेस एंड म्यूजिक, ये म्यूजिक एंड सॉफ्ट वर्सेस डाई जो पोम है पी बी शैली की, उससे ही एमसीक्यूज आया है। 15th एमसीक्यूज है टू कन्वे द आइडिया आर्थर हचक्लफ प्रेजेंट्स डैश, तो आर्थर हचक्लफ ने एक बैटल फील्ड की एग्जाम्पल दी है, एक उन्होंने टाइड वेव्स की एग्जाम्पल दी है और एक सन की एग्जाम्पल दी है, तो तीन इमेजेस उन्होंने यहाँ पर शो किए हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश नेम ऑफ ओडीएसएस इज दैट इज यूलिसिस, तो एक ग्रीक हीरो था जिसको ग्रीक्स कहते थे ओडीएसएस और रोमन्स उसको कहते थे यूलिसिस। नेक्स्ट है 17th एमसीक्यू द लॉस्ट स्टार द पोएट इज सर्चिंग फॉर प्रिमेवल स्पार्क इब्तिदाई चिंगारी। 18th है थ्री ऑफ द सिक्स वर्ल्ड डैश, तो माइकल के छह गुंडों में से तीन गुंडे क्या थे, तो वो जर्मन्स इटालियंस फॉरेनर्स और मैन ओल्ड मैन, तो वो हमारे पास जो थे वो तीन तो रोरिटानियंस थे और तीन फॉरेनर्स थे, ठीक है। 19th आई एम रेडल फ्रोजनडाइल आई एम ट्रेवलर फ्रॉम इंग्लैंड आई एम हेयर टू विटनेस द कॉरोनेशन, तो ये नॉवल से एक डायलॉग है रोजनडाइल का। लास्ट टाइम सिक्यूज द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ रोरिटानिया डिपिक्टेड इन द नॉवल द प्रिजनर ऑफ सेंडा फ्रॉम बॉर्डर स्टैश, तो जो बॉर्डर था दैट इज कॉल्ड ड्रेसडन, तो ये असल में बॉर्डर होगा, इसमें ए नहीं आएगा,
ठीक है, तो दैट इज जस्ट BORDR. तो बॉर्डर से लेकर स्टेल्सो तक का डिस्टेंस, कैपिटल तक का डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 50 माइल्स था. तो ये सारे MCQs हैं प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव के. नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी भी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं. तो ये सेक्शन बी आप देख सकते हैं, सेक्शन बी में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आंसर्स है सब सेक्शन वन से. सब सेक्शन टू में पोइट्री के क्वेश्चन आंसर है, सब सेक्शन थ्री में जेंडर के क्वेश्चन आंसर है, सब सेक्शन फोर हमारा ग्रामर होता है जिसमें फ्रेजल वर्ब आते हैं, ठीक है. तो जैसे टू ब्रेक डाउन, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स लिखे गए हैं जिनकी आपको सेंटेंसेस यूज करने हैं, ठीक है. टू ब्रेक डाउन, टू फिगर आउट, टू लुक डाउन अपॉन, टू रन आउट, टू टेक आफ्टर, टू टर्न डाउन, ठीक है. तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि तबीयत खराब हो जाना, फिगर आउट मतलब होता है किसी चीज़ को निशानदेही करना किसी चीज़ की, या किसी चीज़ को देखना मुशाहिदा करना. लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि मतलब किसी को हकारत की नज़र से देखना. टू रन आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, रन आउट, जैसे रन आउट ग्रोसरीज होती है. टेक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी की सूरत अख्तियार करना, या किसी का हमशक्ल होना. टू टर्न डाउन का मतलब होता है मुस्तरद कर देना किसी चीज़ को, किसी प्रपोजल को. इसकी मीनिंग बस इसलिए आप इनको अपने, अगर आपको मीनिंग्स पता हो तो आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है होमोफोन्स होते हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल. अब ये अलग अलग सेंटेंसेस के बनेंगे. अब ये प्रिंसिपल AL वाला जो होता है इसका मतलब होता है जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, और दूसरा जो प्रिंसिपल इसके मतलब होते हैं असूल. DU, ये देखो, ये फर्स्ट वाला जो DU है, दिस DU इज एक्चुअली, तो इस DU का क्या मतलब होता है हमारे पास, इस DU का मतलब होता है शबनम. और दूसरी DU का मतलब हमारे पास होता है दिस इज के ताखिर हो जाना, किसी चीज़ का देर से हो जाना, डैश DU. स्टेशनरी दो है, एक स्टेशनरी ARY वाला स्टेशनरी होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ रुकी हुई है साकिन है. और ERY से स्टेशनरी जो होता है उसके मतलब जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स होती है स्टेशनरी का सामान वगैरह वो सारे हो गए. इस तरह फेयर भी दो हमारे पास होते हैं, एक फेयर FAIR फेयर मतलब किराया, और FAIR फेयर के मतलब होते हैं खूबसूरत या प्यारा. इसी तरह पर्सनल, ये जो पर्सनल होता है मतलब इंसान का अपना जाती, और दूसरा पर्सोनल होता है, ये पर्सोनल मतलब होता है सिपाही. इस तरह कॉलेज, कॉलेज मतलब जैसे आपका कॉलेज है जहाँ पढ़ते हैं, और ये होता है कोलाज. कोलाज का मतलब होता है बहुत सारी तस्वीरों को एक साथ चिपका देना, दैट इज कोलाज. तो बेटा ये इस तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ करने हैं. इफ़ यू नो अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स देन इट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट द सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है. सो दैट विल बी ईजी. नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो कॉलम, एक कॉलम भी मैच करेंगे हम लोग, ठीक है. वर्ड मीनिंग्स होती हैं, ये शोविनिज्म. तो शोविनिज्म, विजिलेंस, बर्गो मास्टर. देखो बर्गो मास्टर का मतलब तो सिंपल ही होता है मेयर, ठीक है. स्काउंड्रेल मतलब होता है लाइक रास्कल्स, ये सीधा ऐसे चल जाएगा. विजिलेंस का मतलब होता है वॉचफुलनेस, किसी चीज़ को देखना. इसी तरह से कॉस्मोपोलिटिज्म का मतलब होता है इंटरनेशनलिज्म. तो बच गया हमारे पास शोविनिज्म, इसका मतलब होता है जस्टिस, इंसान की जाती राय. प्रेजुडिस, इंसान की जाती राय, ठीक है. खुदगर्जी, सेल्फलेशनेस, ठीक है. तो ये हमारे पास इसके जो है वो कह सकते हैं कि वर्ड मीनिंग्स हो गई. इसके बाद सेक्शन सी में आपके पास, आपको पता है एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे का होता है. इसमें ऐसे की बात करें तो इम्पोर्टेंट ऐसे इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे ये हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इम्पोर्टेंट है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. टॉलरेंस, नीड फॉर टॉलरेंस, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इन्फ्लेशन भी इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये जो हमारे पास है AI, तो ये इस वक्त इसमें से इम्पोर्टेंट आया हुआ है, तो इसको लाजमी कर लें. कैरेक्टर स्केच है, रडल फ्रजेंडाइल, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ब्लैक माइकल भी इम्पोर्टेंट है. फ्लेविया चूँकि लास्ट ईयर आ गया तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. क्रिटिकल एनालिसिस तो मैं कहता हूँ कि आप ना करें. इसके बाद हमारे पास जो है वो लाइक इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इसके बाद जो है वो नरेशन है, ठीक है. तो नरेशन के आंसर्स मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको जो देख रहे हैं वीडियो तो उन सब, वो सब साथ साथ देखते रहें. तो लाइन से पांचों नरेशन के यहाँ पर मैं सेंटेंसेस बना देता हूँ, ठीक है. फर्स्ट है, ही सेड टू मी, व्हाई आर यू गेटिंग मैड एट मी. ही
asks me, तो ये interrogative है, why I was getting mad at him हो जाएगा ये, ठीक है, why I was getting mad at him, full stop आएगा end में. Second, he said to me, do you know how to drive a car? He asked me if I had known how to drive a car. Third, a father said to his son, focus on your studies, say the advised है. Imperative sentence है, father advised his son to focus on his studies. Next, a mother said to her daughter, don't talk to non-serious girls in the class. The mother asked, forbade ho jayega ye. Forbade the her daughter to talk to non-serious girls in the class. उसके बाद ऐसा द बॉय सेड आउच आई हैव डिसलोकेटेड माय नी जॉइंट, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है. द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड डिसलोकेटेड हिज नी जॉइंट. तो ये बहुत इजी होते हैं. तो ये पांच हमारे पास जो है उसके नरेशन हो गए. इसके बाद बेटा ये पैसेज आया हुआ है. पैसेज अगर हम देखें, कॉस्मोपॉलिटनिज्म लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड में, तो ये रिफ्लेक्शन से आया गया एक पैसेज है. तो सबसे पहले तो पैसेज में हमसे ये कह रहे होते हैं कि भाई बताएं कि पैसेज कौन से, कि नेम द लेसन एंड इट्स ऑथर एंड द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है, तो लेसन का क्या नाम है और किस ऑथर ने इसको लिखा है. तो लेसन का नाम तो बड़ा सिंपल है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शंस ऑन द री अवेकनिंग ईस्ट, ठीक है, और ऑथर इसके हैं हमारे पास हो जाएंगे बर्ट्रंड रसल. सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो बेटा डिपेंड करता है, इसके ऊपर से पैसेज से पढ़ोगे तो आपको आंसर लग जाएगा. थर्ड भी ऊपर से आंसर आ जाएगा. उसके बाद फोर्थ है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स. अंडरलाइन वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने, जैसे कॉस्मोपॉलिटनिज्म, तो ये इज्म आ गया आखिरी में, कॉस्मोपॉलिटनिज्म. तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, दिस विल बी नाउन, चूंकि इज्म आता है तो नाउन होता है. सेकंड भी इसमें लगा हुआ है अंडरलाइन, सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड. अब सुपर इम्पोज्ड एस ई डी आ गया, ई डी जब आ जाते हैं एंड में तो दिस विल बी एक्चुअली वर्ब, बस ये हो गया. उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, टॉलरेबल, तो टॉलरेबल और सिविलाइजेशन इसकी सिनोनिम देने हैं. तो सिविलाइजेशन का तो हमारे पास हो जाएगा लाइक कल्चर या ट्रेडिशन, तहजीब कहते हैं ना भाई, तो ट्रेडिशन कह सकते हैं या कल्चर कह सकते हैं. और टॉलरेबल मतलब जो जिसको बर्दाश्त किया जा सके, दैट इज बियरेबल, जो बर्दाश्त करने के काबिल हो, ठीक है. तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास और हो गए हैं. और इसके अलावा मैंने आपको इसमें बाकी चीज़ें भी, इसकी ग्रामर पोर्शन की आपको बता दी हैं, पैसेज भी. तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को. अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर्ड हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे आप तैयारी कर सकेंगे इजीली, तो वो डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर लाजमी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.